कौनो कौनो ऑटो लोगन बोलते हैं कि ये औरत के काम नहीं है, औरत के घर का काम है, बाहर का काम नहीं है। हमारे देश एवं जिले में अक्सर महिलाओं को पुरुषों के जैसा समान नहीं माना जाता। लोग हमारे देश में लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं और उनका ये मानना होता है कि महिलाएं केवल चूल्हा चौका खाना बनाने तक ही सीमित हैं, उन्हें मेहनती और बड़े काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो समाज के तानों बानों का विरोध करते हुए आज महाराजगंज जनपद के नौतरवा में लगभग 5 सालों से ई रिक्शा चला रही है। हालांकि शुरुआती दौर में इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये बताइए मैम, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ये ई रिक्शा चलाने की जरूरत पड़ी? मेरा मजबूरी कोई नहीं था, मेरा पति बोले थे कि तुम भी चलाओ रिक्शा, हम भी चलाएंगे, आगे महिला भी बढ़ना है, सब चीज करना है। तो हम भी कहे कि अच्छा ठीक है, हम भी चलेंगे आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे चलेंगे, तो इसी में दोनों प्राणी के खर्च पानी चलेगा, लड़के उनके बच्चे उच्चे पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए सर, ये कहानी कैसे शुरू हुई, कब से और किस वजह से आप लोग, आप दोनों ने, पत्नी पत्नी ने मिल के ये रिक्शा चलाना शुरू किया? वजह यह है कि अब पहले हम ये सोचते थे, मैं एक गरीब के घर पैदा हुआ हूँ, लोगों के पास मोटरसाइकिल है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, तो मैं सोचता था मेरे पास कैसे होगा और हम किस मेहनत से और किस दिमाग से कैसे क्या कर सकते हैं। इसलिए जो हमने अपने परिवार, हम लोगों ने मिल करके ये किया कि सभी लोग अगर मेहनत करें तो बहुत अच्छे से सुखी रहेंगे। आप घर के काम और बाहर के काम कैसे कर पाती हैं दिन भर में? दिन भर में सुबह के काम 5 बजे 4 बजे उठती हूँ, सब घर के बर्तन वर्तन माँज के, अपना नहा धो के, लइकन के खिला उला के, बना उना के, तब लगभग 10 बजे हम निकलते हैं घर से। जब आपने ई रिक्शा चलाना शुरू किया तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुसीबत हमारे लिए अभी कुछ नहीं पड़ा, माने पहले था कि हम कैसे चलाएंगे, माने चला लिए। कभी तो चोर भी बैठता, शाह भी बैठता, किसके सर पे क्या लिखा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो लिखा पड़ा है, कर्मचारी है अथवा SSP कैंप वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पत्रकार हैं, अच्छे लोग तो अच्छे की ही पकड़ तुरंत देखते ही पहचान जाते हैं आदमी कैसा है, तो वो लोग तो बहुत तारीफ करते हैं, बेचारे बहुत तारीफ किए, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिस तरह से आपने पुरुषों की सोच बदली है, अब आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि महिलाएं केवल घर का काम करने के लिए पैदा हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए हमारा संदेश यही है, अगर वो अपने परिवार को अगर मिलके काम करें, सलाह से काम करें, हमेशा सुखी रहेंगे। अगर तनाव में मिलके काम नहीं करेंगे, कोई सलाह से काम नहीं करेंगे, हमेशा तनाव रहेगा। अब वो कहें कि हमारी औरत को कोई देख लेगा, घूंघट निकाल लो, ढक लो, या पढ़ाई ना करो, नौकरी ना करो, अब पढ़ा करके भी उनको सर्विस मिल रही है, उनको नौकरी ना करने दो, तो इसलिए वो समाज हमको अच्छा नहीं लगता है। आज रीता देवी पिछले 5 सालों से ई रिक्शा चलाकर अपना और अपने पेट का, अपने परिवार का पेट पाल रही और पैसे भी बचा रही है। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और ये माना जाता, पुरुष ये मानता है कि महिलाएं कमजोर होती है, महिलाएं किसी तरह का काम नहीं कर पाती है, लेकिन अब वक्त आ गया अपनी सोच बदलने का, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, महिलाएं प्लेन भी चला रही हैं, महिलाएं ई रिक्शा भी चला रही हैं। आप सब वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारी अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे देश में पुरुष और महिलाएं समान रूप से एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और ये जो भेदभाव की प्रक्रिया है इसको खत्म किया जा सके। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।